नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, करनाल के रेलवे स्टेशन से। इस समय हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरह से एक त्रावड़ी में मामला सामने आता है। एक युवक जो 28 से 30 साल का बताया जा रहा है, वो ट्रेन के आगे आकर जो है उसके दो हिस्से हो जाते हैं, जिसके बाद पुलिस रेलवे को जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर उसे उस बॉडी को कब्जे में ले लिया जाता है और करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में रखवा दिया जाता है। अभी तक उस युवक की जो है वो पहचान नहीं हो पाई। ये खबर दिखाने के लिए हाल के रेलवे स्टेशन पहुंचा था, तो आप सभी से निवेदन है आपने इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जिस भी घर का वह सदस्य हो उन तक ये जानकारी जो है वो पहुँचाई जा सके। नीले रंग की जीन्स, नीले रंग की धारियों वाली कमीज और नीले रंग के स्पोर्ट शूज़ उसने पहन रखे हैं और एक पुलिस स्टेशन के प्लेटफॉर्म से बैग भी बरामद किया जाता है, पर उस बैग का अब ये नहीं पता कि ये उसी युवक का है। उसमें एक बैंक की पासबुक मिली है जिसमें गांव गंगो यूपी गंगो का एड्रेस है। हालांकि पुलिस की टीमें हैं, उनसे एक बारी जानकारी पूरी ले लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। मामला था ये जो कल रात वाला। सर, ये रात हमारे को 12:45 बजे से सूचना मिली थी, रेलवे स्टेशन त्रावड़ी में कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। जो मैं अपने स्टाफ के साथ वहाँ पहुँचा मौके पर, जो अप मेन लाइन के अंदर एक लड़का जो है मुद्दे को पड़ा हुआ था ट्रैक के अंदर, उसकी गर्दन कट करके ट्रैक्स के भारतीय जनता ट्रैक के अंदर था, तो जो उसकी जेब से 100 रुपये का नोट मिला है और एक वहाँ से प्लेटफार्म के ऊपर बैग रखा हुआ था, बैग नेशनल बैंक की, तो जिससे उसका एड्रेस वेरीफाई कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, तो फिर उसके बाद ही कुछ जैसे होगी उस पता लगेगा। तो अभी तक पहचान नहीं हुई? अभी तक पहचान नहीं, डेड बॉडी को डेड में रखवा दिया है। तो हुलिया वगैरह क्या है? हुलिया उसका सांवला रंग है, पतला फुर्तीला शरीर है, तो कद करीब 5 फुट 5 इंच के करीब लगभग है। उम्र 28 और 30 के बीच में है। तो नहीं, अभी राहुल है वगैरह है किसका ये नहीं पता, वो पता लगने पता लगे। यात्री का भी रह सकता हो सकता है। हाँ, वो कि उसके भी कोई हो नहीं, उसके पता लगने पर पहचान होने पता लगे वो उसका है किसका है। हाथ पे लिखा तो ना, हाथ पे कुछ लिखा, कपड़े है उसके पैंट जींस की है नीले रंग की और कमीज है उसका नीला धारीदार जो है, तो स्पोर्ट्स शूज है नीले कलर। हाँ, हालात से ऐसे लगता है जैसे सुसाइड कर रखी है इसने। तो अभी शनाख्त के लिए रखा गया है? डेटा उसमें रखा हुआ है, तलाश जारी है। तो कौन सी जगह का हादसा है ये? त्रावड़ी रेलवे स्टेशन के पास, ये जो है किलोमीटर नंबर 135 का 1 और 3 के बीच में, जो प्लेटफार्म खत्म होते ही जो है उस पर प्लेटफार्म के ऊपर ही है। तो सर, वो बैग अभी पक्का नहीं है कि नहीं? अभी किसका पता कर रहे हैं, बैंक में गए हुए हैं, उसके एड्रेस से जो है वो कर रहे हैं, तो पता लगेगा उसको देखते हैं। ठीक है, पुलिस जानकारी ज़रूर जुटा रही है। हालांकि बैंक में जाकर अब उस पते को निकाला जा रहा है और उनसे संपर्क किया जाएगा। अगर उनके घर का सदस्य है तो उनको जानकारी दी जाएगी किस तरह से हादसे का शिकार जो है आपके घर का सदस्य हो चुका है। उसे फिलहाल करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में पुलिस द्वारा रखा दिया गया है। फिलहाल दो हिस्सों में बट जाता है शरीर जब ये हादसे का शिकार होता है। पुलिस का कहना यही है कि शायद ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने सुसाइड किया हो। फिलहाल आप देख पा रहे हैं किस तरह से, आप सभी के साथ मैं लाइव था, इसके खबर को आपने शेयर करना, ताकि उसके घर तक जानकारी जो है वो पहुंचाई जा सके, जिसके भी घर का वह सदस्य है, किस तरह से ये हादसा हुआ और वो ट्रेन के आगे आ जाता है, जिसके बाद दो हिस्सों में वह कट जाता है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको करनाल के रेलवे स्टेशन से दिखा रहा हूँ और जानकारी जो मिली वो भी आपको बताई। आप सभी से हाथ जोड़ निवेदन रहेगा इस वीडियो को आपने शेयर करना है, ताकि जल्द से जल्द जिस भी घर का सदस्य है वो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी में आकर उसकी पहचान जो है वो कर सकता है, जिसके बाद जो शव है वो परिजनों को सौंपा जाएगा।